हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की। आईडीबीआई बैंक जिसके ऊपर काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। अच्छी न्यूज़ अभी से नहीं है, अच्छी न्यूज़ पहले से भी आ रही है। जो रिजल्ट इन्होंने अनाउंस किए थे वहीं से अच्छी न्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट हो गया था। प्राइस काफ़ी नीचे आया था, प्राइस पे हमने बताया भी था जब 26-27 रुपये के आसपास था कि इसको खरीदना चाहिए और आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और अभी रिसेंट जो इसका मूवमेंट है वो काफ़ी इस टाइप का सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से भी स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है। कैसे ये ऊपर जा सकता है, कैसे इसके प्रमोटर्स हैं और किस टाइप की न्यूज़ है और कैसा स्टॉक के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में और कैसे रिटर्न्स बना के दे सकता है, उसके ऊपर सब स्टडी करेंगे। और सेकेंडली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि चार्ट हमें क्या बताता है कि किस प्राइस के ऊपर इसमें लेना चाहिए। जो रिसेंट इसके अंदर मूवमेंट आया है जहाँ पर हमने वीडियो बनाया था 26 रुपये 25 पैसे की, डाउन साइड इसके अंदर काफ़ी कम है और अपसाइड काफ़ी अच्छा बनता है। डाउन साइड उस टाइम भी हमने बताया था 1-2 रुपये का आसपास और नीचे जा सकता है, जो कि हमने बताया था 25 रुपये तक जा सकता है, बट 26 रुपये 35 पैसे के आसपास से ये रिवर्स हो गया था और काफ़ी अच्छा इसने मोमेंटम दिखाया है, जो कि 38.25 के आसपास ये बंद होते हुए नजर आया है। तो पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। जो 10 मार्च को बैंक निफ्टी बंद हुआ है 35,938 पे बंद हुआ है और जो हाई इसने बनाया था 36,176 का बनाया था, तो 36,000 से जो है एक साइकोलॉजिकल जो मार्क था उससे नीचे ही बंद होते हुए नजर आया। 72 पॉइंट जो था इंक्रीज हुआ 0.2% के आसपास की इंक्रीज के साथ। तो आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक का वन डे का ये चार्ट मैंने लगा रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छा मूव यहाँ पर आते हुए नजर आया। मूव किस लिए आया, वो न्यूज़ क्या है और उस न्यूज़ का आने वाले टाइम पे क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस क्लोज जो था 36.45 रुपये का था और 36.80 रुपये के ऊपर ये ओपन होता है 10 मार्च को। आज जो है हॉलीडे है महाशिवरात्रि की, इसलिए हम कल की बात कर रहे हैं। 10 मार्च का जो था हाई जो है 39.50 का है और लो जो था 35.35 का है, तो ये बंद होता है 38.35 5.21% की उछाल के साथ। आने वाले टाइम में भी इसमें अच्छा उछाल बना रहेगा। 52 वीक हाई देखेंगे ना 56.20 का है और 52 वीक लो देखेंगे 17.25 का है। इसके बाद देखेंगे जो वॉल्यूम्स इसके रिजल्ट्स जो इन्होंने दिए थे वो दिए हैं 12 फरवरी को दिए थे, 28 जनवरी 2021 को क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए थे और 12 फरवरी के आसपास फिर अदर्स न्यूज़ इसके अंदर आती हुई नजर आई थी। इसके रिजल्ट्स कैसे थे वो भी अगर हम देख लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट्स को देखें तो टोटल इनकम 3.09% के आसपास की इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट्स जो जंप हुए थे 18.4% के आसपास जंप हुए थे। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर थ्री को जो दिसंबर क्वार्टर था उसे क्वार्टर टू से कंपैरिजन करें सितंबर क्वार्टर से, तो इनकम भी बढ़ते हुए नजर आ रही है और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें दिसंबर 2020 को दिसंबर 2019 से, तो टोटल इनकम में 4.46% का गिरावट है जबकि नेट प्रॉफिट है वो 106% के आसपास इंक्रीज हुआ है, जो कि ये माइनस में था 5744 करोड़ के, वो 399 करोड़ के आसपास प्लस में दिए हैं। इसका 9 मंथ से कंपेरिजन करें इस साल के 3 क्वार्टर्स को, जून क्वार्टर सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर को टोटल करके लास्ट ईयर के सेम टेन्योर से अगर कंपैरिजन करें तो टोटल इनकम जो है -3.91% के आसपास हुई है बट प्रॉफिट्स जो है 106% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। जो 9 मंथ के जो रिजल्ट्स थे लास्ट ईयर में वो -13,000 के आसपास थे जबकि अब ये 900 करोड़ के आसपास प्लस के अंदर हैं। इसके बाद देखें जो बैंक है 41,000 करोड़ का एक मिड कैप बैंक है और अच्छा बैंक बनता हुआ नजर आ रहा है। ROCE 0.33% की है, ये इंप्रूव होते हुए नजर आएगी। ROE भी -35.1% के आसपास की है। इसके बाद अगर देखें कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है। इंडस्ट्री पी जो है 25.2 की है जबकि ये 39.3 के आसपास काम कर रहा है, ये आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी क्योंकि जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ये भी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। 32.4 के आसपास ये बुक वैल्यू है जबकि ये अभी 38.2 के आसपास काम कर रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.18 के आसपास ही निकल कर आता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र नहीं आता है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं, फेस वैल्यू इसकी जो है 10 के आसपास की है। इसके बाद अगर देखें शेयर जो है 200 DMA और 50 DMA दोनों से ही ऊपर अब काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं जरूर ये इसे ब्रेक करके नीचे आया था, अब जो एक सडन मूव था और वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दो वॉल्यूम्स का जो लाइन है काफ़ी हाई लाइन है और इन दोनों को ही ब्रेक करके जो 50 और 200 DMA से ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए थे सबसे अच्छी बात ये थी कि 12 क्वार्टर के रिजल्ट्स में से आप देखेंगे 8 क्वार्टर पहले वो टोटली नेगेटिव में थे जबकि लास्ट 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे ये आपको इम्प्रूव होते हुए
नजर आ रहे हैं और सब लास्ट फोर क्वार्टर के रिजल्ट्स इनके पॉजिटिव हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये बैंक टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। 12 क्वार्टर के आप रिजल्ट देखिए, 8 क्वार्टर माइनस हैं और माइनस में भी आप देखेंगे तो काफी ह्यूज लॉसेज के साथ है, 3,000, 4,000, 5,000 के आसपास तक के भी लॉसेज इन्होंने दे रखे हैं, 5,700 के आसपास। अब प्रॉफिट्स कम है बट प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और 4 क्वार्टर जो है ना लगातार इन्होंने प्रॉफिट्स ही दिए हैं। इसके बाद अगर आप देखें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे तो 94.71% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जिसके अंदर LIC का स्टेक जो मेन है 49.24 के आसपास है, FII 0.34, DII के पास 2.86 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेक बढ़ता हुआ नजर आया पिछले क्वार्टर में, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2.09% के आसपास का स्टेक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हाथों में स्टेक्स हैं। इसके बाद जो न्यूज इसके ऊपर है उससे पहले हम वॉल्यूम्स पर जरूर नजर डालेंगे। 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम जो थे 2,71,40,000 के आसपास के थे, जबकि आप 10 मार्च के जो वॉल्यूम देखेंगे 6,17,00,000 के आसपास हैं, जो कि आप देख सकते हैं डबल से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स के साथ ये जो है ट्रेड किया है और ऊपर गया है। इसके बाद देखेंगे जो न्यूज थी जिसकी मैं बात कर रहा था, IDBI बैंक आउट ऑफ PCA फ्रेमवर्क, ये काफी अच्छी न्यूज है जिस बैंक को काफी एक्सपेंड कर सकती है और ग्रो करा सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड टेकन आउट IDBI बैंक फ्रॉम द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। द बैंक वाज पुट अंडर PCA फ्रेमवर्क मई 2017, स्लैपिंग कर्व्स ऑफ एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन नहीं कर सकते थे अपनी ब्रांचेस का, इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते थे, लैंडिंग में भी इनको प्रॉब्लम थी, काफी नैरो लैंडिंग वगैरह कर सकते थे, तो अब ये एक्सपेंशन भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं PCA फ्रेमवर्क से बाहर आता हुआ मई 2017 के बाद से। तो इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू RBI इट इज नोटेड एज पर द पब्लिश रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 31st December 2020, द बैंक इज नॉट इन ब्रीच ऑफ PCA पैरामीटर्स ऑन रेगुलेटरी कैपिटल नेट NPA एंड लिवरेज रेशियो। तो ये काफी अच्छी न्यूज है PCA की। अब इसके बाद देखेंगे जो आप यहाँ पर दिखाई देगा जो LIC का स्टेक है वो किस प्राइस के ऊपर है और आने वाले टाइम में ये न्यूज कैसे काम कर सकती है। LIC स्टेक हाइक इट्स स्टेक इन IDBI बैंक इन FY 2019 इन 3 ट्रेंचेज, आप देख सकते हैं एट 61.73, अभी प्राइस जो चल रहा है सिर्फ 36 के आसपास का चल रहा है, 36-38 के आसपास का चल रहा है, और अभी आप देखेंगे 61.73 के आसपास इन्होंने जो था स्टेक बनाया था अपना 2019 के अंदर। उसके बाद अक्टूबर 2018 में आप देख सकते हैं 60.73 के आसपास का जो स्टेक था, तो जो प्राइसिंग आ रही है LIC के निकल के वो 60 रुपीज से अबव की आ रही है। तो IDBI बैंक शेयर क्लोज है, आप देख सकते हैं जो प्राइसेज आ रहे हैं जो LIC का स्टेक है इसके अंदर वो 60 रुपीज से ऊपर का है, जबकि स्टॉक अभी 38 के आसपास ही काम कर रहा है। तो IDBI जो में जो LIC का स्टेक है ये अभी कम करते हुए नजर नहीं आएंगे जब तक इसका मार्केट शेयर इससे प्राइस ऊपर नहीं जाता। तो आप देख सकते हैं इन लास्ट 14 मंथ्स IDBI मार्केट शेयर प्राइस है बिलो लोअर देन दी प्राइस ऑफ LIC पेड टू इंक्रीज स्टेक। तो 60 से ऊपर प्राइस जब जाएगा तभी जो LIC है IDBI में से जो है अपना स्टेक कुछ कम कर सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकंड जो है जो कंट्रोलिंग स्टेक है जो सरकार चाहती है, इज प्लानिंग टू कम्प्लीटली डाइवर्ट स्टेक इन IDBI टू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर, बट जो इन्वेस्टर है उसको क्या चाहिए, वो 51% से ऊपर का कंट्रोलिंग स्टेक चाहता है और 51% से ऊपर का जो है LIC से ऊपर का स्टेक होना चाहिए और 51% के आसपास होना चाहिए कंट्रोलिंग स्टेक के लिए, तभी वो जो है इन्वेस्टर इसके अंदर पैसा लगाएगा। और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है इस प्राइस को जब ये ऊपर जाएगा तभी LIC उसके अंदर से जो है अपना जो स्टेक है कुछ रिड्यूस करेगी। स्टेक रिड्यूस करने से जो दूसरे इन्वेस्टर हैं जिसको ये बेचना चाहती है, जो डाइवेस्ट करना चाहती है गवर्नमेंट अपना जो स्टेक है, तभी दूसरा जो इन्वेस्टर है इसके अंदर कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है। तो 60 रुपीज से जब जो शेयर प्राइस है ऊपर जाएगा LIC अपना स्टेक कम करेगी, जो कि इसका 49 पॉइंट समथिंग जो मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो स्टेक कम होता है तो दूसरे इन्वेस्टर को सरकार जो है उसको डाइवर्स्ट कर सकती है, कंट्रोलिंग स्टेक दे सकती है। तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो 60-61 के आसपास के जो LIC के प्राइस थे उससे स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जो LIC है किस चीज का वेट कर रही थी आप यहां पर भी देख सकते हैं, LIC मे गेट बिगल रूम टू पेयर इट्स स्टेक इन IDBI बैंक वंस द बैंक कंप्लायंस विद द प्रोफिटेबिलिटी क्राइटेरिया रिटर्न ऑन एसेट्स ROA टू कम आउट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उसने 2017 में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि ये ब्रांच एक्सपेंशंस नहीं कर सकते, लैंडिंग नैरो होगी टू रिलेटिवली लेस रिस्की। तो
अब पीसीए से बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, तो एलआईसी की बिल्कुल इसके ऊपर नजर रहेगी। अगर पीसीए से बाहर आता है, ये ग्रो करता है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, तो एलआईसी कुछ स्टेक इसके अंदर से कम करता हुआ नजर आएगा। एलआईसी का स्टेक कम होने का मतलब है सरकार जो है किसी और को कंट्रोलिंग स्टेक दे सकती है, जो कि काफी अच्छी न्यूज होगी। और यहां से भी स्टॉक प्राइस जो है आने वाले क्वार्टर्स में काफी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद टेक्निकली ग्राउंड पे अगर देखें तो जो मूविंग एवरेज को जानते हैं, फंडा टेक्निकल्स को जानते हैं, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। 14 बाय है, एक न्यूट्रल और जीरो सेल है। ओसिलेटर्स नो न्यूट्रल है, 2 बाय और 0 सेल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। अगर समरी को देखें 26 इंडिकेटर में बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है कि 16 बाय है, 10 न्यूट्रल और एक भी नहीं बता रहा है कि कोई सेल करके चलना चाहिए, चाहे मूविंग एवरेज हो चाहे ओसिलेटर्स हो, आपको बाय करके चलना चाहिए आने वाले टाइम में। ये जो स्टॉक का प्राइस है वो आपको 64 के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर हमने पहले भी बाय करने का रिकमेंडेशन दिया था कि लो साइड काफी कम है और हाई साइड काफी ज्यादा है, और एलआईसी का उस टाइम पर भी हमने बताया था कि जो स्टेक है 60 से ऊपर है, और एलआईसी तभी अपना स्टेक कम करेगा जब प्राइस जो है 60 से ऊपर जाएगा, और 60 से ऊपर जाने के बाद ही गवर्नमेंट जो है कोई एक्शन ले सकती है किसी को डाइवर्स्ट करने के लिए, कंट्रोलिंग स्टॉक देने के लिए। बट अब पीसीए से बाहर आने के बाद ये अपना एक्सपेंड भी कर सकते हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिखा सकते हैं आने वाले टाइम में। जैसे 4 क्वार्टर के रिजल्ट हुए, टोटली टर्न अराउंड थ्योरी है, और यहाँ से भी जो स्टॉक है 64 के टारगेट्स इमीडिएट इसके बनते हुए नजर आते हैं। और ये लाइफ इमीडिएट जो है यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है जो कि 44 और 46 के बीच का बनता है, और अगर 44 46 को ये क्रॉस करता है उसके बाद ये अपने 52 भी खाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा जो कि 56 के आसपास का है। बट अगर 56 को ये क्रॉस करता है तो 64 से 68 के बीच के प्राइस बिल्कुल आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से भी एक शार्प बाउंस इसने दिया था इस टाइप से, और जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स अच्छे आते चले जाएंगे, टर्न अराउंड होता हुआ चला जाएगा, तो ये आपको 64 से 68 के लेवल्स बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आएगा। तो आप से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, बट उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हर एक का रिस्क प्रोफाइल और होल्डिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। इसमें थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है, बट यहां से भी स्टॉक जो है आपको डबल के रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका हम लाइफ टाइम हाई को देखें तो आपको लाइफ टाइम हाई जो है यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 173 2010 में ये शेयर जो है 173 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो लाइफ टाइम हाई से काफी स्टॉक जो है नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं 102 के आसपास 2010 में था। अगर ये स्टॉक जो है यहाँ से 68 तक भी जाता है, 64-68 तक भी जाता है, उसके बाद हम टारगेट्स देखेंगे किस टाइप के बनकर आते हैं। बट अभी यहाँ से स्टॉक जो है पीसीए की न्यूज के बाद और उसके बाद एलआईसी का जो स्टेक है उसकी न्यूज के बाद ये स्टॉक यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।